Hello again, continuing this series, talking now about AV fistulas, yani aapki body mein aapki arteries aur aapki veins ka agar connection ban jaye to usse kya hoga ki aapki arteries ka jo blood hai aur jo blood pressure hai wo sara veins ke andar chala jayega aur usse kya hoga ki wo veins jo hai wo phoolni shuru ho jayengi, badi honi shuru ho jayengi, they'll start becoming more prominent. We discussed कि हमें डायलिसिस के लिए we need two access points, यानी दो ट्यूब्स चाहिए, हमें दो नसें चाहिए, एक से खून बाहर निकलेगा जो कि मशीन में घूमेगा, किडनी आर्टरी किडनी में घूमेगा, और फिर दूसरी से खून वापस दिया जाएगा, which means we need two points जहां से ब्लड सप्लाई को अंदर और बाहर किया जाए. तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो आर्टरी का फ्लो है अगर वो हम अपनी वेन्स के साथ कनेक्ट कर दें तो आर्टरी का ब्लड प्रेशर के साथ में वो वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर जाएगा और उससे वो वेन्स फूलनी शुरू हो जाएंगी, बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, प्रोमिनेंट होनी शुरू हो जाएंगी और वो सारी की सारी वेन्स के अंदर पल्सेशन आ जाएगा क्योंकि आर्टरी और वेन को जोड़ दिया गया है. इस जोड़ को यानी दिस कनेक्शन बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन इज कॉल्ड एन आर्टेरियोवेनस फिस्टुला और एन एवी फिस्टुला. और ये हमारी लॉन्ग टर्म डायलिसिस, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म डायलिसिस चाहिए, जो लोग कभी डायलिसिस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, जो लोग कभी भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा पाएंगे लेकिन उनको जीने के लिए फॉर देम टू लिव एंड सर्वाइव दे नीड अ लाइन विच इज द डायलिसिस लाइन विच इज थ्रू एन एवी फिस्टुला. दिस इज द बेस्ट रिपोर्ट which can allow blood to be exchanged, blood to be cleaned, so that the blood flow can continue without a problem. So ये बहुत जरूरी है कि हम एक AV fistula बना दें जो कि हमारी skin के अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं निकलता, हमको veins सारी prominent हो जाती हैं और उनके through needles डाल के दो सुइयां, एक से अंदर blood, अंदर का blood बाहर आके artificial kidney के through उसको साफ किया जाता है और फिर वो ही वापस ब्लड हम दूसरी वेन के थ्रू वापस अंदर री इंजेक्ट कर देते हैं. एंड दिस इज हाउ डायलिसिस इज डन. सो बेसिकली द बेस्ट वे टू डू इट इज बाय जॉइनिंग दिस आर्टरी एंड वेन एंड दैट इज इन द आर्म. वी यूजुअली लाइक टू डू दिस इन द नॉन डोमिनेंट आर्म विच इज द लेफ्ट हैंड. फॉर मोस्ट पीपल हु आर लेफ्ट हैंडेड इट इज बेस्ट डन इन द लेफ्ट हैंड, बट फॉर पीपल हु आर लेफ्ट हैंडेड वी देन डू इट इन द राइट हैंड ऑल्सो. वॉट इज डन बेसिकली वॉट वी डू इज एक डॉपलर एग्जामिनेशन हम करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर जो मैंने आपको बताया था पहले भी, वो डॉपलर एग्जामिनेशन किया जाता है ये देखने के लिए दैट वॉट इज द साइज ऑफ द आर्टरी एंड द साइज ऑफ द वेन्स. ये जो वेन्स हमें दिखती है, जो नीली नीली नसें हम सब लोगों के हाथों पे होती है जो हमें दिखती है, इन वेन्स का साइज कहाँ है और कैसा है. ये आर्टरी और वेन का साइज अगर 3 millimeters के ऊपर है तो हमारा कोशिश करके मतलब ये डायलिसिस करने के लिए हम इन आर्टरी और वेन्स को जोड़ सकते हैं जिससे कि हमारा डायलिसिस आराम से हो सके. अगर हम एक आर्टरी और एक वेन को हाथ में यहाँ रिस्ट के पास में अगर जोड़ दें तो ये हमारे पूरे हाथ की जितनी भी वेन्स होगी वो सारी डायलेट हो जाएंगी, सारी बड़ी हो जाएंगी और आराम से डायलिसिस हो सकेगा. अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे को आर्टरी या वेन में कोई कमी है, आर्टरी छोटी है या वेन्स अच्छी नहीं है या वेन्स सूख चुकी हैं या सुखड़ चुकी हैं या बंद हो चुकी हैं, तो हम कोशिश करके वो फिस्टुला यहाँ हाथ में अपने एल्बो के ऊपर यहाँ पर भी हम इसको एक बना सकते हैं जिससे कि वहां से भी हमारी यहाँ हाथ की नसें फूल जाती हैं, उससे फिर हम डायलिसिस कर सकते हैं. तो बहुत लोगों का ये एवी फिस्टुला बनाते हैं जिससे कि डायलिसिस करने में सुविधा रहती है और ये आराम से करा जा सकता है और कोई ट्यूब वगैरह बाहर नहीं लटकती. जब आप आते हैं डायलिसिस कराने के लिए तब दो सुइयां लगा के डायलिसिस कर दिया जाता है. 3-4, 4.5 घंटे लगते हैं एक अच्छी तरह से डायलिसिस करने में और वो करने के बाद में वो नली निकाल के इन नसों को दबा दिया जाता है कुछ देर के लिए. 5-10 मिनट के अंदर इनसे ब्लीडिंग बंद हो जाती है और आदमी आराम से अपने घर जा सकता है. तो ये एक तरीका है जिससे कि डायलिसिस किया जाता है. दिस इज अ डायलिसिस थ्रू एन एवी फिस्टुला. अब और कोई रास्ते हैं
अगर ये AV फिस्टुला ना बन पाए या ना हो पाए वो मैं आपको अगली दफा बताऊंगा।